हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम बात करने वाले हैं 4th और 5th मार्च का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, वो एग्ज़ाम का रीशेड्यूल या फिर बोल सकते हो रिवाइज हॉल टिकट रिलीज़ हो गए हैं। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कर लो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें उसका रिवाइज शेड्यूल अगर आपका हॉल टिकट में भी शो नहीं कर रहा कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप SOL साइट से भी चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर जो 4th और 5th मार्च का एग्ज़ाम है वो किस डेट को होने वाला है। तो साइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस साइट पे आना है sol.du.ac.in, ठीक है। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट दे रखा है। अब इस साइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। साइट पे जो कंटिन्यू टू वेबसाइट का ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके आगे भी कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ये है नोटिफिकेशन, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन में आना है। नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो जैसे ही आप नीचे नोटिफिकेशन या फिर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आओगे, इस पे आने के बाद आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज डेट शीट फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम 4th-5th मार्च बैच, ठीक है। जो 4th और 5th मार्च को एग्ज़ाम होने वाले थे उसका रिवाइज शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप जो भी कोर्स से बिलोंग करते हो, अगर आप कोई से भी कोर्स से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप बीकॉम ऑनर्स से हो या फिर बीए प्रोग्राम से हो, आपको उसी लिंक पर क्लिक करके अपना वो शेड्यूल डाउनलोड करना है। सपोज करो आप बीए प्रोग्राम से हो तो मैं नीचे वाला शेड्यूल आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो शेड्यूल है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये आपका शेड्यूल है, नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा बीए प्रोग्राम का शेड्यूल है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम 4th को होने वाला था, जो 4th मार्च को, वो कैंसिल जो हो गया था, वो एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आपको डेट शीट में दिख रहा होगा, ये 4th मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम जो है 26 मार्च को होगा। जी हाँ, 4th मार्च का एग्ज़ाम जो है वो 26 मार्च को लिया जाएगा। और यहाँ पर दूसरा जो 5th मार्च का एग्ज़ाम है वो भी नीचे आपको दे रखा होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप। जो आपका एग्ज़ाम 5th मार्च को होने वाला था, ठीक है, वो एग्ज़ाम कब होगा, 2 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका, किस सब्जेक्ट का, किस कोड का और किस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, मेंशन है, ठीक है। अब ये डेट शीट को इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। अब मैं आपको दूसरी एक और दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको बैक करना है। सेकेंड डेट शीट जो है वो आपकी डाउनलोड करने के लिए आपको फिर उसी पे जाना है। ये लिंक पे आपको ऊपर वाले नोटिस पे आपको क्लिक करना है, जो कि बीकॉम ऑनर्स का है। ऑनर्स के बच्चों को भी सेम ऐसी है। एडमिट कार्ड में भी फ़िलहाल तो डेट और टाइमिंग वगैरह आ गई है, मगर वहाँ पे शो नहीं कर रही, तो आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये वाला नोटिस दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल का डेट वगैरह टाइम वगैरह आपको दिया हुआ है कब होने वाला है। तो जो आपका मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम था 4 और 5 तारीख को, ये कैंसिल करके अब यहाँ पे डेट डाल दी है 26 मार्च और 2 अप्रैल की, ठीक है। अब मैं आपको ये एक बार वो भी दिखा देता हूँ, एडमिट कार्ड जिसमें आया हुआ है। सो गाइस, ये आप देख सकते हो, इमेज थोड़ी ज़्यादा ये ब्लर सी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ थोड़ा मेंशन नहीं है दिख रहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन शेड्यूल 4 और 5 मार्च का जो भी था कैंसिल हुआ था, वो दोनों एग्ज़ाम जो है वो आपके 26 और 2 अप्रैल को लिए जाएंगे। लास्ट की ये जो सेकेंड एग्ज़ाम है ना, दो, ये देख सकते हो यहाँ पर डेट मैंशन है, ऊपर वाले पर 26 और नीचे वाले पर 2, ठीक है, 2 अप्रैल। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपना हॉल टिकट जो है, ये पूरा एडमिट कार्ड है, ये देख सकते हो स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना SOL से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।